पश्चिमी दिल्ली लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार कमलजीत सहरावत ने विपक्ष पर साधा निशाना और जैसे जैसे चुनाव के दिन नज़दीक आ रहे प्रत्याशी चुनाव प्रचार में तेजी आ रही। वेस्ट दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी कमलजीत सहरावत ने टैगोर गार्डन एक्सटेंशन में एक जनसभा को संबोधित किया और लोगों से वोट की अपील की, साथ ही केंद्र सरकार द्वारा किए गए कामों के बारे में बताया। इस बीच उन्होंने लोगों से कहा कि पिछले चुनाव में जो केंद्र सरकार का संकल्प पत्र लाई थी उसका 90% से अधिक काम पूरा हो गया, इसलिए देश के लोगों को भरोसा है कि मोदी जो कहते हैं वह करते हैं और यही भरोसा एक बार फिर से मोदी सरकार को तीसरी बार बनाने जा रही है। जब खुद को 10 में से 10 नहीं दे सकते तो किसी दूसरे को कैसे दे सकते, तो कमी रह गई होगी, ऐसा हमेशा होता है। लेकिन क्या वो इंटेंशन ठीक थी या नहीं थी, ये जितना काम हुआ वो डायरेक्ट डायरेक्शन में हुआ कि नहीं हुआ, ये भी तो बात देखनी चाहिए ना। तो जब खुद के 10 में से 10 नंबर नहीं है, अगले को आप पास तो करोगे ना, 10 में से 7 काम, 5 काम, 8 काम तो अगले ने किए ही है ना। आपके घर के 4 बच्चे कहना नहीं मानते, बुरा मत मानिएगा, 4 बच्चे जो घर के है ना वो कहना नहीं मानते, ये तो 140 करोड़ का देश है, कितने लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। जिस समय कोविड की बात आई और वैक्सीन की बात आई तो सबसे पहले तो विदेश से पूछा था मोदी जी ने, फ्रांस से पूछा, यूके से पूछा, यूएस से पूछा, उनकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को कांटेक्ट किया कि आप दे सकते हो क्या, उन्होंने कहा बिल्कुल दे देंगे, लेकिन एक डोज की, एक वैक्सीन की कीमत उन्होंने बताई थी 8,000 रुपए और 2 लगनी थी तो कितनी हो गई 16,000 रुपए और 140 करोड़ को लगनी थी, जबकि हमें राशन भी देना था, ऑक्सीजन प्लांट भी लगाने थे। तब मोदी जी ने साइंटिस्टों से अपील की अपने देश के रिसर्च विंग से कि इतनी महंगी दवाइयां आप क्या कर सकते हैं, तो हमारे साइंटिस्ट इस देश के उनको सैल्यूट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम रेडी हैं लेकिन प्रोटोकॉल बहुत है सरकार के, अगर आप वो प्रोटोकॉल हटा दें, क्योंकि रिसर्च के फेजेस होते हैं, पहले आप चूहे पे करेंगे, फिर बंदर पे करेंगे, फिर ह्यूमन बींग पे करेंगे, फिर 3 ट्रायल करेंगे, तब जाके मेडिसिन सर्टिफाई होती है, तो वो प्रोटोकॉल मोदी ने सारे हटाए। हमारे साइंटिस्ट जो रिसर्चर थे वो अपने घर नहीं गए कई कई महीने, किसी की माँ बीमार थी, किसी का बच्चा महीनों का था, अपने घर नहीं गए, आपके और हमारे लिए उन्होंने DRDO की लैब में बैठकर रात दिन काम किया और तब जाकर आपको मुफ्त में वैक्सीन मिली है। तो अगर ये काम करने की हिम्मत कोई करवा पाया तो हमारा करा पाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज मेरा टैगोर गार्डन एक्सटेंशन में यहाँ पर RW के साथ में मीटिंग थी, बहुत अच्छा आशीर्वाद हमें मिल रहा है क्योंकि मोदी जी ने जो पिछले 10 साल में काम किए हैं वो संकल्प पत्र पूरे करके 90% तक अपनी रिपोर्ट कार्ड दी है, तो जनता को विश्वास है कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, तो मुझे लगता है पहले से भी अधिक अच्छे बहुमत से हम लोग यहाँ से जीतेंगे। अभी कई मुद्दे ऐसे हैं जो कि दिल्ली को जरूरत है, जैसे कि आयुष्मान कार्ड, 5 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड पूरे भारत में नहीं है लेकिन दिल्ली में नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पास मोहल्ला क्लिनिक है लेकिन मोहल्ला क्लिनिक की क्या हालत है, तो अच्छे हेल्थ फैसिलिटी देना, कॉलेज बनाना और कई इस तरह के, जैसे कि अर्बन एक्सटेंशन रोड बन रहा है, द्वारका एक्सप्रेस वे है, वेल कनेक्टिविटी देना, ये सब हमारा प्रमुख काम रहेगा। इंडिया गठबंधन नहीं, उसे इंडिया गठबंधन कहिए क्योंकि इंडिया तो बहुत एक रिस्पेक्टफुल वर्ड है तो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए उनके लिए, तो इंडिया गठबंधन की जो आप बात कह रहे हैं, दोनों का अस्तित्व खतरे में था। जब अस्तित्व खतरे में था तो एक दूसरे को विचारधारा को गाली देने वाले लोग, पानी पी पी के कोसने वाले लोग जब एक साथ आए हैं तो जनता उन पर क्या विश्वास करे। अभी आप देखिएगा जो जिस तरह से केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को तहस नहस यहाँ के ढांचे को करने का काम किया है, दिल्ली की जनता को उसका बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। वो MBBS मान लो अगर है तो मैं HOD हूँ क्योंकि वो 30 वार्ड के वो सांसद रहे हैं और मैं 104 की मेयर रही हूँ। और दूसरी बात क्या बोला आपने, आप हाँ चलिए मेरी आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, मैं PGT कॉमर्स टीचर रही हूँ। और सेकेंडली एज अ मेयर मैंने डिसीजन लेने वाले काम किए हैं, एज अ सांसद मैंने फॉलो करने वाली नहीं, मेरा नेता सेनापति
अपनी लीडरशिप के लिए जाना जाता है और मैं उनके साथ मेहनत करने को तैयार हूँ। तो 104 वार्ड पे काम करके मैंने अपना पूरा काम किया है।